morning, children. Welcome to class 2 computer. Children, we were doing chapter 2 of our book IT Planet Bits and Bytes. Children, we had started chapter 1, we had completed chapter 1 and started chapter 2. We had an introduction part, uses of computer, and chapter 2 is chapter 2. Is uses of computer. So children, uses of computer. Where the places where all we use the computer. So in this chapter, we are going to cover the topics uses of computer in school, in office, in bank, at home, at railway station, and airport, in hospital, in entertainment, in designing, in defense and researches. So children, these are the places about which we are going to read about the uses of computer means. Ye sare jagah hai jahan pe hum computer ko use karte hain. So here is the Lappy. Lappy says, hi children, you know that a computer can do many things of many kinds of work. That is why computers are used in different places for different purpose. So children, as we know, computers are the device or the machine which do many works. अलग अलग तरह के वर्क करता है, इसीलिए वो अलग अलग जगहों पे पाया जाता है. जैसा कि हम जानते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग कंप्यूटर्स का यूज होता है या काम होता है, इसीलिए उन सब जगहों पे वो अलग अलग काम के लिए रखा जाता है. जैसे कि विल स्टार्ट From the first one, so let us see what are the different uses of computer. So first, uses of computer. Dear friends, I am sure you all must have heard fairy tales. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आप सबने fairy tales के बारे में पढ़ा होगा. What are these fairy tales? Here, the fairy in the tale means परियों की कहानियाँ, जिसमें कि एक परी होती है, उसे fairy कहते हैं. परी को हम क्या कहते हैं? फेरी. शी हैज अ वैन. वैन मतलब जादू की छड़ी. वो जो भी उस वैन से छूती है, इट डज सम मैजिक. तो उससे वैन से कोई भी वो मैजिक करती है और एकदम से चीज बदल जाती है. तो चलिए, इसी तरह से हमारा कंप्यूटर भी है, वो भी एक जादू करता है. जैसे कि वैन ऑफ द फेरी टेल डज द मैजिक. सिमिलरली, ये जो हमारा कंप्यूटर है, ये भी एक तरह का मैजिक करता है. हम उसको जो भी कहते हैं वो फट से कर देता है. चिल्ड्रन, द थिंग्स विच वी टेक आवर्स टुगेदर और द डेज मेनी डेज टुगेदर टू कंप्लीट दीज कंप्यूटर्स डज इट विद इन फ्यू आवर्स और विद इन फ्यू मिनट्स. दैट इज वाई इट्स द वर्क विच इज डन बाय द कंप्यूटर सीम्स टू बी अ मैजिक. इसीलिए हमें यहाँ पे हमने कंप्यूटर को मैजिक वैन के से कंपेयर किया हुआ है. सो इट डज सम वंडरफुल थिंग्स विच वी डोंट इवन इमेजिन. मीन्स हम सोच भी नहीं सकते कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं. दैट इज वाई दीज कंप्यूटर्स आर प्लेसिंग ह्यूमन बींग्स मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. मतलब जहाँ पे पहले इंसान काम करता था, वहाँ पे अब कंप्यूटर्स होते हैं. तो लेट अस रीड. डियर फ्रेंड्स, आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव हर्ड फेरी टेल्स. परियों की कहानी. फेरी टेल्स मतलब परियों की कहानी. Here we have a word fairy tales. तो हमें यहाँ पे fairy tales से क्यों किसको compare किया गया है? यहाँ पे fairy tales से compare किया गया है computer को. ठीक है? तो fairy tales in such stories, fairy tales वाली story में the fairy has a magic wand. Fairy has a magic wand. इसके पास एक magic वैन होता है, जिसे हम कहते हैं जादू की छड़ी. इन हर हैंड एंड शी कैन डू एनी थिंग बाई यूजिंग दैट वैन. और वो जो परी होती है, फेरी होती है, शी कैन डू एनी थिंग बाई यूजिंग दैट वैन. उस वैन से वो जो चाहे वो कर सकती है. तो उसी तरह से इन द प्रेजेंस प्रेजेंट वर्ल्ड, मतलब आज के जमाने में, दिस कंप्यूटर ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ वैन. ये कंप्यूटर किसकी तरह यूज करता है, एक्ट करता है? लाइक अ मैजिक वैन. ठीक है? तो ये कंप्यूटर भी इसी मैजिक वैन की तरह एक्ट करता है. व्हाटएवर वर्क वी वांट टू
वी वॉन्ट द कंप्यूटर टू डू इट डज फॉर अस, जो भी काम हम इसको कहने कहते हैं करने को वो हमारे लिए करके देता है. सो इन द प्रेजेंट वर्ल्ड अ कंप्यूटर एक्ट्स नो लेस देन अ मैजिक वैंड, ये कहीं से भी मैजिक वैंड से कम नहीं है. यू कैन डू मेनी थिंग्स विद दिस वंडरफुल मशीन. सो दिस मशीन इज सेड टू बी वंडरफुल वंडरफुल मशीन. मशीन हमने पढ़ा है व्हाट इज मशीन. मशीन इज अ डिवाइस व्हिच डज आवर वर्क इजीली एंड सेव्स आवर टाइम. तो यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है इट इज लाइक अ मैजिक मशीन और यू कैन कॉल इट एज वंडरफुल मशीन. लेट अस स्टडी द यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस. अब पहले तो मैं नोट डाउन कि व्हाट आर द प्लेसेस वेयर वी यूज द कंप्यूटर. तो हम यहाँ पे इसको पढ़ने से इसके आगे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ वी हैव कंप्यूटर. विच ऑल आर द प्लेसेस वेयर वी हैव कंप्यूटर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फेरी टेल्स. वी हैव हर्ड अबाउट फेरी टेल्स. इन द फेरी टेल्स वी हैव द फेरी ऑफ द टेल हैज मैजिक वैंड. मैजिक वैंड इज समथिंग विच फेरी यूजेस टू डू हर वर्क और वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू डू शी डज विद द हेल्प ऑफ मैजिक वैंड. नाउ दिस मैजिक वैंड इज कंपेयर्ड विद द कंप्यूटर. तो इन टूडेज वर्ल्ड आज के दुनिया में हमारे पास इस मैजिक वैंड की तरह एक कंप्यूटर है जिसे हम मैजिक वैंड की तरह ही यूज करते हैं कोई भी काम करने के लिए. तो ये कहीं से भी मैजिक वैंड से कम नहीं है. जैसे मैजिक वैंड जादू दिखाता है और जादू से सारे काम कर देता है, वैसे दिस कंप्यूटर ऑल्सो डज ऑल द वर्क सेम एज द मैजिक वैंड. नाउ दिस कंप्यूटर इज ऑल्सो सेड टू बी अ वंडरफुल मशीन. वंडरफुल मशीन बिकॉज इट डज वंडर्स. ये बहुत सारे आश्चर्यजनक काम करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं वंडरफुल मशीन. कुछ ऐसे काम जो हमारे लिए बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत टाइम टेकिंग होते हैं एंड इट टेक्स लॉट ऑफ डिफिकल्टी और समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू डू. हम अपने हाथ से उस काम को नहीं कर सकते. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग टू डू इट. दिस कंप्यूटर डज इट वेरी ईजिली एंड इन वेरी फ्यू मीन्स लीस्ट टाइम. बहुत कम से कम समय में ही कर लेते हैं. तो नाउ द मेन पर्पज ऑफ द चैप्टर इज टू नो वेयर ऑल वी हैव कंप्यूटर एंड वॉट आर द पर्पजेज ऑफ कंप्यूटर इन दीज प्लेसेज. सो लेट अस स्टडी द यूजेज ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेज. सो फर्स्टली लेट अस नो वॉट आर द प्लेसेज वेयर वी फाइंड कंप्यूटर्स. तो कंप्यूटर्स सबसे पहले बहुत सारी चीजें हैं वेयर वी कैन फाइंड कंप्यूटर्स. वी फाइंड लेट अस सी वॉट आर द प्लेसेज वेयर वी फाइंड कंप्यूटर. कंप्यूटर्स in designing
Let us read about these first. So children, what is this computer? As we have written there, these are the places where we find computers. तो इन सारी जगहों पे हमको कंप्यूटर देखने को मिलता है. एंड एवरीवेयर वी हैव डिफरेंट पर्पस. हर जगह अलग अलग कंप्यूटर का पर्पस होता है. तो लेट अस सी फर्स्ट वन इज द स्कूल. ये है हमारा स्कूल. स्कूल में व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंप्यूटर? चिल्ड्रन कैन यू टेल मी वेयर ऑल यू कैन सी योर स्कूल एंड कंप्यूटर? व्हिच आर द प्लेसेस इन योर स्कूल वेयर यू हैव सीन कंप्यूटर एंड व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज फाउंड इन दोज प्लेसेस? चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑफिस where all the clerical works are done. The clerk office, where all the school clerical works are done. Admission, keeping the record of the students, keeping the result. तो वहाँ पे हमारे पास कौन सा कंप्यूटर होता है? We have desktop computer. और ये सारे कंप्यूटर क्या करते हैं? Admission करते हैं, online transactions करते हैं, फिर उसके बाद ये सारे कंप्यूटर बच्चों के details रखते हैं, बच्चों के result रखते हैं, और उसके बाद फिर children इन स्कूल वी हैव कंप्यूटर इन आर कंप्यूटर लैब. ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते कहाँ कहाँ. वी कैन सी कंप्यूटर्स इन स्कूल, इन ऑफिस, इन बैंक, एट होम, एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट, इन हॉस्पिटल्स, इन एंटरटेनमेंट, इन डिजाइंस एंड ऑल्सो इन डिफेंस एंड रिसर्चेस. सो दीज आर द प्लेसेस वी आर वेयर वी कैन सी कंप्यूटर. सो लेट अस सी ईच वन वन बाई वन. तो सबसे पहले वी कंसीडर स्कूल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर स्कूल. इन स्कूल वी हैव कंप्यूटर्स इन आर स्कूल लाइब्रेरी. वी हैव इन आर स्कूल लाइब्रेरी. ओके, इन आर स्कूल लाइब्रेरी वी कीप द रिकॉर्ड ऑफ द बुक्स. आपने अपने स्कूल लाइब्रेरी में कंप्यूटर देखा है स्कूल में? वहां पे जितनी भी किताबें लाइब्रेरी में होती उसके रिकॉर्ड रखने के लिए वी हैव कंप्यूटर. ठीक है, उसके बाद जैसा कि मैंने बताया क्लर्क ऑफिस में भी है. क्लर्क ऑफिस में हम क्यों कंप्यूटर रखते हैं? ताकि बच्चों का एडमिशन कर सके. वी इन ऑर्डर टू टेक एडमिशन, देन टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ रिजल्ट, तीन चार साल के रिजल्ट का रिकॉर्ड रखने के लिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए, फीस वगैरह जमा करने के लिए और चेक करने के लिए कि बच्चे का फीस जमा हुआ है या नहीं. उसके बाद जितने भी उससे एक हर एक बच्चे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है दैट ऑल्सो वी कीप इन द कंप्यूटर. और इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ या जितने भी एक्सपेंसेस हुए स्कूल में और जितने भी बाकी चीज़ें हुए सबका रिकॉर्ड रखने के लिए हम स्कूल क्लर्क ऑफिस में भी कंप्यूटर रखते हैं. प्रिंसिपल ऑफिस में कंप्यूटर होता है. ठीक है, उसके बाद लैब्स में कंप्यूटर होता है. साइंस लैब वगैरह है या फिर मैथ्स लैब है, सब में कंप्यूटर होते हैं. उसके बाद कंप्यूटर लैब में तो होगा ही, क्योंकि कंप्यूटर लैब में हम बच्चों को लेके जाते हैं पढ़ने के लिए. उसके अलावा टीचर्स रिसोर्स जो होता है, टीचर्स के लिए भी एक रूम होता है जिसको TRC कहते हैं, और उसमें भी कंप्यूटर्स होते हैं ताकि टीचर्स मार्क्स फीड कर सके, टीचर्स अटेंडेंस ले सके डेली का, और बाकी रिकॉर्ड भी बच्चों का चेक कर सके. तो इतने सारे जगह हैं जहाँ पे हमारे यहाँ पास स्कूल में भी कंप्यूटर होता है. इतने सारे पर्पसेस हैं या काम है स्कूल में कंप्यूटर होने का. सो दिस इज द प्लेस वेयर वी हैव कंप्यूटर एंड इन स्कूल ऑल्सो वी हैव डिफरेंट प्लेसेज वेयर वी हैव कंप्यूटर. अब लेट अस सी पेज नंबर 14. बच्चों पेज नंबर 14 में आपको कंप्यूटर इन स्कूल दिया हुआ है. तो सबसे पहले पिक्चर में इट इज गिवन कंप्यूटर आर यूज्ड इन स्कूल फॉर टीचिंग. सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला कंप्यूटर लैब में हम कंप्यूटर पढ़ाने के लिए कंप्यूटर रखते हैं, क्योंकि आजकल सारे काम कंप्यूटर्स में से होते हैं. तो वी नीड टू ट्रेन द टीचर्स, ट्रेन द चिल्ड्रन एंड लेट देम नो ऑल अबाउट द कंप्यूटर. तो हम कंप्यूटर बच्चों को एक एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को सारी चीज़ें कंप्यूटर के बारे में पता हो, और कम से कम बेसिक नॉलेज तो बच्चों को होना ही चाहिए. तो फॉर दैट वी टीच देम कंप्यूटर एज अ वन सब्जेक्ट. और उसके बाद फिर लैब में कंप्यूटर होता है, हम लैब में ले जाकर के उनको प्रैक्टिकल भी कराते हैं ताकि दे शुड हैव प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर. फिर उसके बाद वी हैव सेंडिंग रिपोर्ट के लिए एंड सर्कुलर टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के घर तक इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए रहते हैं. जैसे कि कोई भी सर्कुलर है, हॉलीडे का सर्कुलर है, या कोई फेस्टिवल लीव का सर्कुलर है, या कोई स्पेशल कुछ भी है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन या सडनली स्कूल बंद है
तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम देने के लिए भी कंप्यूटर स्कूल्स में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फीस, जैसा कि मैंने बोला फीस का रिकॉर्ड रखने के लिए भी वी हैव कंप्यूटर्स इन ऑफिस, क्लब ऑफिस। फिर उसके बाद प्रिपेयरिंग द रिजल्ट, रिजल्ट बनाने के लिए टीचर यूजेस द कंप्यूटर। देन प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर, येस ऑफ कोर्स विच आई फॉरगॉट, क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए ऑल्सो वी नीड कंप्यूटर्स। अटेंडेंस लेने के लिए भी नीड कंप्यूटर्स, ऑनलाइन अटेंडेंस आप लोगों का होता है डिजिकैम में, उसके लिए भी आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फीस के लिए बोल दिया। देन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ लाइब्रेरी बुक, जहाँ जहाँ मैंने बोला वो सारी चीज़ें, उन सारी जगहों पर आपको स्कूल में कंप्यूटर की जरूरत होती है। लेट अस राइट वर्ड्स, तो स्कूल में भी नीड कंप्यूटर्स इन लाइब्रेरी, देन वी नीड कंप्यूटर इन लैब्स, लैब में चाहिए, देन वी नीड कंप्यूटर इन ऑफिस, स्कूल ऑफिस में कंप्यूटर चाहिए, देन वी नीड कंप्यूटर इन फॉर कीपिंग रिकॉर्ड, फॉर फीडिंग मार्क्स, फीडिंग मार्क्स के लिए चाहिए, या मेकिंग रिजल्ट, मेकिंग रिजल्ट, रिजल्ट बनाने के लिए चाहिए। देन वी नीड फॉर सेंडिंग मैसेज, सेंडिंग मैसेज, मैसेज सेंड करने के लिए चाहिए। देन वी नीड प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए चाहिए, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए हमें कंप्यूटर चाहिए। सो दीज आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन आवर स्कूल। सो इन स्कूल वी हैव नीड कंप्यूटर इन लाइब्रेरी टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ बुक्स, लैब्स फॉर द फॉर टीचिंग एंड प्रैक्टिकल पर्पस, ऑफिस फॉर एडमिशन एंड फॉर चेकिंग द फी डिपोजिशन, मेकिंग रिजल्ट, रिजल्ट बनाने के लिए भी नीड कंप्यूटर इन स्कूल्स, सेंडिंग मैसेजेस, एनी करिकुलम रिलेटेड और एनी अदर हॉलीडे और सम अदर इंफॉर्मेशन, फॉर सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू द चिल्ड्रन, देन प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर, दीज आर द यूजेस इन द स्कूल। नाउ चिल्ड्रन लुक एट पेज नंबर 11, सी द पिक्चर वन बाई वन। कंप्यूटर्स इन स्कूल, कंप्यूटर आर यूज इन स्कूल्स फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड स्टडिंग इन लैब, सेंडिंग रिपोर्ट्स एंड सर्कुलर्स टू द स्टूडेंट्स, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फीस, प्रिपेयरिंग द रिजल्ट, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर्स। दीज आर द पर्पसेस इन द स्कूल व्हाई वी हैव कंप्यूटर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज कंप्यूटर्स इन ऑफिस। व्हाई डू वी नीड कंप्यूटर्स इन ऑफिस? योर फादर वाज बी हैविंग कंप्यूटर्स इन दिस ऑफिस, आपका क्या ऑफिस में कंप्यूटर देखा होगा आपने। सो सेकंड इज कंप्यूटर्स इन ऑफिस, सो लेट अस सी आवर सेकंड प्लेस इज कंप्यूटर्स इन ऑफिस। ऑफिस में कंप्यूटर का क्या काम होता है? इन ऑफिस लुक एट पेज नंबर 12 चिल्ड्रन, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ऑफिस फॉर टाइपिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे टाइपिंग और डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत होती है। कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज, जितने एम्प्लॉय वहाँ पे काम, एम्प्लॉय मीन्स द पीपल हु वर्क इन द ऑफिस, जितने लोग काम करते हैं उनको हम एम्प्लॉय कहते हैं, ठीक है। अब इन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखने के लिए, जैसे हम स्कूल में बच्चों का रिकॉर्ड रखते हैं, वैसे ही ऑफिस में एम्प्लॉय का भी रिकॉर्ड रखा जाता है। कौन है, कहाँ का है, क्वालिफिकेशन, बस पोस्ट, सैलरी, सब कुछ का रिकॉर्ड रखा जाता है। कब आ रहा है, कब जा रहा है, कितने दिन आया, कितने दिन एब्सेंट रहा, तो ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। देन सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, वहाँ पे भी मैसेज आते जाते रहते हैं, ईमेल आते हैं, ईमेल जाते हैं, इसके लिए रखते हैं। और ये दीज आर द पर्पसेस व्हाई वी हैव कंप्यूटर्स इन ऑफिसेस। सो लेट अस सी नाउ कंप्यूटर इन ऑफिस। फर्स्ट वन इज टाइपिंग, टाइप करने के लिए टाइपिंग एंड प्रिंटिंग, प्रिंट करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स को पहले तो हम टाइप करेंगे, उसके बाद प्रिंट करेंगे। फिर उसके बाद है कीपिंग, कीपिंग
ऑफ एम्प्लॉइज, जो वहां काम करते हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉइज, जो वहां पे एम्प्लॉइज हैं, जो वहां पे काम करने वाले हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए. दीज आर द देन वन मोर सेंडिंग सी सेंडिंग Computers are used at home for, nowadays we are having
We are using the computer for online classes. Nowadays, the computer is being used for online classes. तो घर में हमारे पास कंप्यूटर है तो हम ऑनलाइन क्लास आराम से कर रहे हैं, और अगर हम टीचर हैं तो ऑनलाइन क्लास देने के लिए काम आ रहे हैं, टू गिव द ऑनलाइन क्लास टू द स्टूडेंट्स. तो दोनों तरह से हमको कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है. तो नाउ वी आर टीचिंग फ्रॉम स्कूल, तो हम घर पे रख करके कंप्यूटर को पढ़ा रहे हैं, तो हमको पढ़ाने के लिए भी यूज़ हो रहा है और आपको पढ़ने के लिए भी यूज़ हो रहा है. फिर उसके बाद प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेलने के लिए भी हमको कंप्यूटर यूज़ करते हैं घर पे. वॉचिंग मूवीज, अगर हमारा मन किया कि हम बाहर जाके मूवी ना देखें, या फिर हम मोबाइल पे मूवी नहीं देखना चाहते, छोटा स्क्रीन होता है, तो हम कंप्यूटर पे इजीली मूवी देख सकते हैं. या फिर कभी पढ़ करके हम थक गए तो हम घर पे आराम से कलरिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर से कर सकते हैं. कंप्यूटर सर्फिंग कर सकते हैं, मतलब कुछ भी हमको सर्च करना है तो ऑनलाइन जा करके हम सर्च कर सकते हैं. कोई फॉर्म फिल करना है तो हम घर बैठे वी कैन फिल द फॉर्म. मेंटेनिंग मंथली एक्सपेंसेस, अगर आपको और ज़्यादा उसका यूज़ करना है तो आपके घर का जो भी मंथ में एक्सपेंडिचर है, जो भी खाने में, खरीदने में या सामान लाने में आप एक्सपेंड करते हो पैसे, उनका उसका रिकॉर्ड यू कैन कीप इन द कंप्यूटर. तो घर में भी हमें कंप्यूटर की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि पढ़ने के लिए या फिर पढ़ाने के लिए. ये तो नया काम आ गया, पहले ये काम नहीं हुआ करता था, लेकिन अब तो ये नया काम आ गया ना, ऑनलाइन टीचिंग और स्टडीज़ के लिए. फिर उसके बाद गेम्स प्ले करने के लिए, कलरिंग ड्राइंग के लिए, हम पढ़ करके थक जाते तो हमको लगता है ना कुछ अलग सा काम करें, तो ये काम हम कर सकते हैं. वॉचिंग मूवीज, फिल्म देखने के लिए. और उसके बाद मेंटेनिंग मंथली एक्सपेंसेस, घर में होने वाले खर्चों को रखने के, मेंटेन करने के लिए भी हम कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं. तो ये वी कैन राइट दीज पॉइंट्स. सो कंप्यूटर्स एट होम, घर में कंप्यूटर्स का क्या जरूरत है? कंप्यूटर्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस. ठीक है, देन उसके बाद है प्लेइंग गेम्स. प्लेइंग गेम्स, we have drawing and coloring. Drawing and coloring कर सकते हैं. Listen music, listen to music, गाना सुन सकते हैं. फिर उसके बाद watch movie, movie भी देख सकते हैं. So these are the uses of computer at home. मंथली एक्सपेंसेस रखने के लिए भी हम कंप्यूटर घर पे रखते हैं. सो एट होम ऑल्सो वी हैव लॉट ऑफ यूजेस ऑफ कंप्यूटर. फॉर मेनी पर्पजेज वी आर यूजिंग कंप्यूटर्स एट होम. उसके बाद डूइंग होमवर्क ऑल्सो, यस यू कैन डू होमवर्क ऑल्सो. हम होमवर्क भी कर सकते हैं. लुक एट पेज नंबर 30. कंप्यूटर्स एट होम, कंप्यूटर्स आर यूज एट होम फॉर प्लेइंग गेम्स, watching movies, maintaining monthly expenses for online classes, listening to songs or music and doing homework. These are the works which we do by computers at home. So at home also we need computer for many purposes. Okay, we studied about uses of computer. So there are many uses of computer, as we have computers in school, in offices, in bank, at home, at railway station and airport, in hospital, in entertainment, in designing and defense and research purposes. And we studied about the computers in school. In school we need computer for many purposes, for teaching and learning purpose, for sending curriculars, circulars and reports to the students, parents, then keeping records of fees, फिर उसके बाद maintaining records of books in the library, preparing the result and preparing question papers, and then we study office. In offices we do many purposes, typing and printing documents, keeping a record of employees, sending and receiving emails. ठीक है,
एंड इन बैंक वी यूज कंप्यूटर्स फॉर विड्रॉइंग मनी, मनी पैसे निकालने के लिए, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मनी, मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ कस्टमर. सो दीज आर द वर्क्स विच वी डू इन बैंक्स. एंड एट होम ऑल्सो वी नीड कंप्यूटर फॉर मेनी पर्पसेज, फॉर प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग मूवीज, मेंटेनिंग डेली एक्सपेंसेस, listening to music and doing homework. So we studied about few things, few places where we need computer, and the remaining we'll be studying in our next video. Till then, thank you children.